अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम लोग पिकनिक करने वाले हैं टेरेस पे। तो मैं फुल विलेज स्टाइल, जैसे विलेज में खाना बनाते हैं ना, कुकिंग करते हैं चूल्हे पे और मिट्टी के बर्तन वगैरह में, तो सेम टू सेम वैसे ही स्टाइल का आज मैं कुकिंग करने वाली हूँ। तो कुकिंग करनी तो आती है, बट चूल्हे पे कभी बनाया नहीं है। फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखती हूँ कैसा बनता है। चूल्हे पे खाना तो बहुत टेस्टी बनती है, मैंने सुना है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, देखिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ अभी। ठीक है, मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें आलू डाल देती हूँ। दे दिया है। यहाँ पर दे देती हूँ थोड़ा सॉल्ट। तो यहाँ पे हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। लाइट फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर आलू को फ्राई कर लिया है, अभी तो साइड करके रख देती हूँ। इसके बाद चिकन बना लेती हूँ। चिकन को रेडी करने के लिए पहले मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्याज डाला है, थोड़ा चिकन के साथ डालूंगी। तो यहाँ पे हमारा जो अनियन है वो फ्राई हो चुका है, देखिए। अब इसके बाद हम ये चिकन इसमें ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा कच्चा प्याज है, इस पे डाल देंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जितना खाने में अच्छा लगता है उस हिसाब से चला लेंगे। उसके बाद इसे कवर कर देते हैं। हाँ। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है ऑयल के साथ फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, इसमें मैं डाल देती हूँ। इसमें सिर्फ अदरक और लहसुन का ही पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया। हल्दी पाउडर थोड़ा, ये लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैं थोड़े और इसे चला लूँगी। आंटीखने देखो तले बोल दो चूल्हा तो रान्ना করতে ভালো লাগে। তুমি কি বলবে না কি ভালো লাগবে আর কি বলবা আমি। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ऑयल रिलीज हो गया है। अब इसमें हम ग्रीन टी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ग्रीन टी को थोड़ा वाटर से एक बार वॉश कर लेते हैं। तो अभी इसमें ग्रीन टी ऐड कर देती हूँ। तो अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ जो हमारा पटेटो है वो ऐड कर देती हूँ। देखो हमारा जो ऑयल है वो रिलीज हो चुका है, मतलब हमारा जो मसाला है अच्छे से मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसे थोड़ा पक जाने देते हैं, कवर कर देते हैं। जो चिकन है बन गया है, इसे साइड कर देते हैं। अब हम चावल बना लेंगे। तो ये हो गया है रेडी। तो अब देखिए ये इसमें अब हम बिरयानी बना लेंगे, मतलब तहरी बोलते हैं बहुत, कोई खिचड़ी। हमने इसके लिए ये हंडी चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं ऑयल डाल देती हूँ। मैं इसी से इसके बाद इसे थोड़ा फ्राई कर देंगे। उसके बाद ये जो राइस है ना, ये बहुत कोई इसे कामिनी चावल बोलते हैं, बहुत कोई इसे गोविंदो भोग बोलते हैं। बेंगली में যারা बेंगल থেকে আছে সে বুঝতেই পারছো এটাকে গোবিন্দ ভোগ বলে। और जो आप जिससे आप ये बनाते हो खीर वगैरह जो बनाते हो ना, खुशबू वाली जो चावल आती है वही वाली ये चावल है, खुशबू वाली। वाटर डाल देती हूँ। वाटर आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसे चावल पानी हमें सिर्फ इसे फेंकना नहीं है, इसी में आपका जो राइस है हो जाएगा। आपको इसका जो पानी है ना नहीं फेंकना है। ये एक्चुअली ये हंडी में ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे, मतलब दूँ, कभी मैंने इसे बनाया नहीं है, बट देखती हूँ कैसे होता है। तो इसमें भी सॉल्ट डाल देती हूँ। इसमें भी आपको जैसे आप सॉल्ट खाते हो। जब आपका चावल जो है 40% कुक हो जाए ना, 40% जब चावल कुक हो जाए, उसके बाद आपको ये जो चिकन का जो मिक्सचर है, आलू और मटर और चिकन, आपको इसमें डाल दें। आप अगर वाटर ऐड करते हो ना तो आपको गर्म पानी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद वाटर ऐड करना है, थोड़ा सॉल्ट ऐड करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद इसे मैं कवर कर दूँगी। पिकनिक मम्मी वी हैव पार्टी। या And we had to take the sunrise there. Smell good. What? Smell good. तो फाइनली हमारी जो बिरयानी है बनकर रेडी है। एंड कुकिंग चूल्हे पे करना इट इज़ नॉट ईजी, बट स्टिल आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क। अगर मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी ना तो वो बहुत ही हंसती होंगी, मुझे पता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, पूरा विलेज स्टाइल मैंने कुकिंग किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।